पर समा वो चल रहा है, तो आपका क्या पॉइंट है सारी में, आप कैसे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी सोचेंगे? आपका तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी ब्लैक बॉक्स है। जब आप जाएंगे किसी कॉन्फ्रेंस में ना, जिस कॉन्फ्रेंस से आपको सेल्स आ रही है और आपका बंदा सेल लेके आ रहा है, तो एज अ सीईओ आप कुछ नया देखेंगे वहां पे, आप कोई नई एवेन्यू निकालेंगे। मैं 60 से ज्यादा मुल्कों में गया हूँ, मेरे पास 50 से कम तस्वीरें हैं। सही? तो अच्छा, हाँ, मैं ये जनरल बात हूँ, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, क्योंकि उस मुल्क के लिए तस्वीरों के लिए नहीं जाना था ना, उस मुल्क के आप कुछ अचीव करने गए थे, आपने कुछ वहां से निकालना था, कॉन्फ्रेंस से एक नॉलेज निकालना था। कॉन्फ्रेंस पे सेल्स नहीं होती, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि कॉन्फ्रेंस, आज तक मुझे कोई एक बंदा से जाइटेक्स जाके कोई बंदा क्लोज किया। सेल पहले होती है, वो साइनिंग इवेंट है। सही? ये वाला ये सोच लेके जाना कि मैं यहाँ से कुछ सेल कर लूंगा, ना आज तक हुई है बॉस, ना होंगी, वो एक पावर शो है। पावर शो है वो, वहां पे लोग आए हैं, वहां पे साइनिंग द डील है, वहां पे अच्छा स्टॉल लगाएंगे, पावर शो करेंगे, ठीक है, दैट्स ओके। वैसे इंप्रेस होते हैं लोग ना, जो अगर कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस लगाए ना, पाकिस्तान में लोग बैठे हुए इंप्रेस हो रहे होते हैं कि ये बंदा वहां पे गया है। डेफिनेटली। सो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। आज आपने 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे खोले, तो हम वन बाय वन करते हैं। पहली बात तो ये कि ऑलवेज गो ऑन अ टेबल ऑफ कोलैबोरेशन विद समथिंग टू ऑफर। सही है? नो कॉर्पोरेट विल साइन समथिंग वेयर देयर इज नथिंग फॉर देम देयर। सही? So, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ पावर से जाना। पावर इज अ परसेप्शन। सही है? और वो परसेप्शन क्या है कि यू आर सेइंग समथिंग एंड द अदर पर्सन विल नॉट से नो टू यू। ये परसेप्शन है ना। तो अगर मैं सिस्टम्स के पास तस्वीर खिंचवाने नहीं जाऊंगा, मैं सिस्टम के पास मिनते करने नहीं जाऊंगा, अगर मैं सिस्टम्स के पास जाऊंगा तो मैं हमेशा निकाल के जाऊंगा कि उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनको कैसे ग्रो करवाना है, और मैं उनको वो पिच करूंगा, अपना इंटरेस्ट में बाद में सोचूंगा। सही है? अगर मैं स्ट्रेटेजी जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो आपसे बात भी करेंगे, वरना पाकिस्तान का सका कोई होगा, कोई ये करेगा, ये एक अजम्पशन है, अल्लाह करे हो जाए, मुश्किल होगा ये सोचना। सही? यूएस ने इसलिए ग्रो नहीं किया कि सबने डिसाइड किया कि हाँ यार यूएस के लिए कुछ करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट कंपनी थी, दे वर ऑल वेरी मच ग्रोइंग, एंड देन दे रियलाइज किया ठीक है, हमें अपने ईगोस को साइड पर रखना है और हमने अपनी कंपनी के लिए बेहतर करना है, एंड देन द कल्चर वर्स के यार कंपनी, तो वो हो गया। तो ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। इफ यू आर ओनली आस्किंग फॉर मीट, नॉट हायर योर एम्प्लॉइज, तो यार शेयर बकरी से दोस्ती करेगा, खाए कहां से, हमने यहीं से हायर करने हैं, हमारे हमारे टैलेंट यही पूल है, और आपका टैलेंट जा रहा है ये मसला नहीं है, ये वॉर आप पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि आपने अपने टैलेंट को इस लेवल तक किया ही नहीं करो कि वो ये सोचे ही ना कि उसने जाना है। देखिए आप फॉर सेल नहीं है, आपका टैलेंट क्यों फॉर सेल है? सही है? और मैं 1700 एम्प्लॉई कंपनी होकर आपके बच्चे को वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे पा रहा हूँ और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बॉस ये जंग आप आ रहे हैं, ना आपका बच्चा हारा है, ना डेवजिंग ने कुछ किया है, ना मार्केट कुछ हुई है, डेवजिंग नहीं होगा, कोई एक्स वाई जी कंपनी होगी, व्हाई डज इट केयर, व्हाई डज मैटर। सही? अच्छा, और उसमें हम आएंगे कि हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे पैदा करेंगे। सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर हम आएंगे कि हम करें। अच्छा, प्रोडक्ट की बात की, देखिए प्रोडक्ट के लिए ना मेरा सिंपल है कि मैंने अक्सर अभी मैडम से पूछा कि वो क्या करती हैं, तो उन्होंने बताया कि वो क्या करती हैं, आपसे पूछा, आपने बताया कि मेरी प्रोडक्ट ये है, लेकिन हमें बहुत टाइम लिया बताने में, आपको क्लैरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट नहीं है, मेरा मैं बड़ी गुस्ताखी माफ, लेकिन आपको अपनी क्लैरिटी ऑफ प्रोडक्ट है नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, 7 वर्ड्स होती है डेफिनेशन के, यार ये हम करते हैं। सही है? जैसे एलिवेटर पिच बोलते हैं ना, एलिवेटर पिच आपके पास है नहीं। सही है? मेरा दरखास्त ये है कि जो भी प्रोडक्ट वाले बिजनेस में ना, नेक्स्ट मीटअप से पहले आपने वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट पे जाकर उनका फॉर्म फिल करना है। सही है? आपने भी मैडम, आपने भी। सही है? कि जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रही है ना, वाई कॉम्बिनेटर पे जाएं, वहां पे अप्लाई नाउ का बटन है, उसमें आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे फिल करें, अप्लाई नाउ करें, वो पीडीएफ डाउनलोड करें, और वो पीडीएफ आपने मुझे लाके दिखाना है, यार ये मैं कर रही हूँ। सही है? दे विल मेक यू थिंक व्हाट योर प्रोडक्ट इज, व्हाट योर विजन इज, व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट अ बुक, यानी पूरी अपनी प्रोडक्ट ना, यार ये एक पर्सोना बिल्ड कर रहा हूं मैं, और इसमें ये वाला पीस यहां पे जाके आ जाता है। आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपने बच्चों को क्लैरिटी देते नहीं है, आपके लिए बच्चे एक कमोडिटी है कि यार ठीक है, एक डेवलपर है जो आकर लग गया, उसने कोई डेवलप कर दी प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट के पीछे कोई स्टोरी नहीं है, अब वो जमाने रह नहीं गए कि बस एक फेसबुक उठेगी जनरलाइज और वो हो जाएगी, नहीं नहीं सर, आप एक नीश प्रोडक्ट बनेगी जो कस्टमर को उससे ज्यादा समझेगी। योर कस्टमर जॉब इज नॉट टू नो व्हाट दे वांट, इट्स योर जॉब टू नो व्हाट दे वांट, एंड हाउ कैन यू नो दैट।